बाहुबली के आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस शख्स की जो बनारस का है मगर यूपी बिहार से लेकर झारखंड में उसका दबदबा रहा है, जिसकी धमक धनबाद के कोयलांचल में दिखाई दी, जिसके सामने चुनाव में कोई चुनौती नहीं होती। नाम है श्याम नारायण सिंह, लेकिन लोग उन्हें विनीत सिंह के नाम से जानते हैं। विनीत सिंह, जिनकी उम्र अब 49 साल की है और वाराणसी के चोलापुर विकास खंड के गोला गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता शिव मूरत सिंह राजस्व विभाग में कर्मचारी थे। ये 5 भाइयों और 4 बहनों में चौथे नंबर पर हैं। इनके बड़े भाई त्रिभुवन सिंह होम ब्लॉक चोलापुर से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और भतीजे संजय सिंह ग्राम प्रधान। विनीत सिंह ने 12वीं पास की श्री हनुमंत इंटर कॉलेज सूरतनीपुर वाराणसी से 1991 में और इसके बाद इन्होंने विद्यापीठ से ग्रेजुएशन की। बचपन से ही वॉलीबॉल और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, साथ ही मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट तक हासिल कर चुके हैं। ब्लैक बेल्ट तो हो गई, लेकिन साथ ही बाहुबली का सफर भी शुरू हो गया। विनीत सिंह पूर्वांचल के बाकी बाहुबलियों की तरह 90 के ही दशक से एक्टिव हो गए थे। विनीत सिंह पर ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने बिहार में किडनैपिंग सिंडिकेट को एक संस्थागत तरीके से चलाया है, यानी पूरे नेटवर्क के साथ। किडनैपिंग के साथ साथ रंगदारी, बालू गिट्टी की कालाबाजारी और रियल एस्टेट से अकूत दौलत भी इन्होंने कमाई है और हलफनामे के मुताबिक इनका जो काम है वो रियल एस्टेट का ही है। और इसी दौरान उनकी बाकी के जो बाहुबली थे उनसे भी हमेशा एक विरोधाभास रहा है, प्रतिद्वंदता रही है, जो जानलेवा हमलों तक भी पहुंची है। श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह पर पहला मामला वाराणसी के कैन थाना क्षेत्र में 1997 में गिरोह बंद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। इसी थाने में फिर 2002 में एक और मामला गिरोह बंद अधिनियम में दर्ज हुआ, तो वहीं दूसरा हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। 5 साल में एक ही थाने में 3 केस दर्ज हो गए। शिवपुर थाने में 2005 में हत्या के षड्यंत्र का मुकदमा भी इन पर दर्ज किया गया। भदोही जनपद के गोपीगंज थाने में 2006 में विनीत सिंह को हत्या के प्रयास में भी आरोपी बनाया गया था और इसी साल वाराणसी के शिवपुर और चोलापुर में गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी विनीत सिंह को आरोपी बनाया गया। बात अक्टूबर 2002 की है। तत्कालीन विधायक और बाहुबली धनंजय सिंह पर हमला हुआ था। आरोप लगा अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक और बाहुबली अभय सिंह और विनीत सिंह पर। बताया जाता है कि उस रोज धनंजय सिंह के काफिले पर एक फिल्मी स्टाइल में हमला हुआ था। वाराणसी के नादेसर इलाके में टकसाल सिनेमा के पास बोलेरो और मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने धनंजय सिंह के काफिले को घेर लिया था। खूब गोलियां चली। जवाब में धनंजय सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से भी गोलियां चलाई। धनंजय सिंह हालांकि बच गए, ये जानलेवा हमला था। हालांकि कुछ ही समय बाद एक समीकरण बदलता है और संजय सिंह और विनीत सिंह दोस्त हो जाते हैं। एक के बाद एक दर्ज होते मामलों के बाद विनीत सिंह को ये तो समझ में आ गया कि अब राजनीति ही है जो उन्हें इन कानूनी पचड़े में फंसने से मदद कर सकती है। पहले विनीत सिंह ने सहकारी बैंक के चेयरमैन का पद संभाला और अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद विनीत सिंह ने बीएसपी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 2009 में बीएसपी के टिकट पर मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी चुने गए थे। एमएलसी बनने के बाद रौब और अकड़ में इजाफा हुआ, लोगों में भी विनीत सिंह का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 2012 में चौक थाना में ही 2 मामले दर्ज हुए थे विनीत सिंह पर, उसमें एक गिरोह बंद अधिनियम तो दूसरा षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज था। इसी तरह वाराणसी की रोहिण्या पुलिस ने 2016 में मामला दर्ज किया और इसी साल रांची झारखंड की पुलिस ने भी रंगदारी मांगने के आरोप में एक मामला विनीत सिंह पर दर्ज किया। अब क्योंकि कानून की तलवार हर वक्त लटकती रहती थी विनीत सिंह पर, तो उन्होंने सोचा कि परिवार को भी मजबूत किया जाए। उन्होंने एमएलसी बनने के बाद अपनी पत्नी को मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भी कामयाबी हासिल की। 2 बार इनकी पत्नी प्रमिला सिंह पंचायत अध्यक्ष बनी। 2016 के चुनाव में उन्होंने अपने भाई त्रिभुवन सिंह को मिर्जापुर सोनभद्र सीट से चुनाव लड़वाया, मगर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा से उनके बड़े भाई त्रिभुवन सिंह हार गए। विनीत सिंह का क्षत्रियो में अच्छा खासा प्रभाव है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर समेत कई जिलों के ठाकुरों में उनकी अच्छी खासी पकड़ और प्रभाव है। अब बात है 2016 की। तब 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का वक्त बचा था। तब विनीत सिंह बीएसपी के एक बाहुबली नेता थे और कुछ भी करने में कोई गुरेज नहीं करते थे। एक दिन फेसबुक के ऊपर एक पेज अपलोड होता है, एक एडिटेड फोटो, उसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती है। फोटो शेयर किया था बाहुबली नेता विनीत सिंह ने ही। उसमें ऊपर की तरफ एक तरफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती थी तो दूसरी तरफ श्याम नारायण सिंह यानी कि विनीत सिंह खुद थे।
बीच में बीएसपी का प्रतीक चिन्ह हाथी था, जिस पर लिखा था आ रहा है गजराज। अब हंगामा इसीलिए हुआ क्योंकि उस हाथी के सामने उत्तर प्रदेश के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दौड़ता हुआ दिखाया गया था, यानी आगे आगे अखिलेश, पीछे पीछे हाथी। फिर विनीत सिंह के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हो गए, उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। हालांकि विनीत सिंह का कहना था कि इस फोटो से उनका कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त बीएसपी ने विनीत सिंह को चंदौली के सैयद राजा सीट से टिकट दिया था और इस वक्त विनीत सिंह अपहरण के एक मामले में रांची जेल में बंद थे। उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव जेल से ही लड़ा, इसमें वो 65,000 वोट पाने में कामयाब हुए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी से पराजित हो गए। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह के कहने पर झारखंड पुलिस ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था, इसी मामले में उन्हें जेल भेजा गया। विनीत सिंह एक समय माफिया से नेता बने ब्रजेश सिंह के कट्टर विरोधी माने जाते थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव हुए और सरकार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की। विनीत सिंह ने इसके बाद से ही बीजेपी नेताओं से करीबी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश में आने वाला वक्त बीजेपी का ही है। बीजेपी के साथ विनीत सिंह की बढ़ती नजदीकियां एक ट्रेंड का हिस्सा रही है, उस ट्रेंड का जिसके तहत बाहुबली सत्ता के साथ कदम ताल कर रहे थे। विनीत सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चंदौली लोकसभा सीट से बीजेपी के तत्कालीन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे के लिए चुनाव प्रचार किया और महेंद्र पांडे ने जीत भी हासिल की। इसी दौरान उनकी नजदीकियां ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह से भी बढ़ गई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के समय विनीत सिंह ने पार्टी का दामन थाम लिया। अब यहां से विनीत सिंह एक नई पारी खेलने वाले थे, वो भी एक नए क्षेत्र में, और वो क्षेत्र था धनबाद का कोयलांचल। बीजेपी का दामन थामने के बाद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विनीत सिंह ने धनबाद कोयलांचल में दस्तक दी थी। धनबाद की धरती पर उनके कदम पड़ने के बाद कोयले के धंधे को नियंत्रित करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तमाम बाहुबली सकते में आ गए थे। कोयले की मंडियों में हलचल मच गई थी। चर्चा ये हो रही थी कि विनीत सिंह धनबाद कोयलांचल में कोयले के धंधे में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की तरह एंट्री करना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह एक मजबूत सिंडिकेट खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। धनबाद कोयलांचल से जब कोयला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की मंडियों में पहुंचता है तो उसे नियंत्रित करने का काम यही माफिया डॉन करते हैं। इसके बदले उन्हें कोयला व्यवसायियों से हर टन के हिसाब से चढ़ावा मिलता है, यानी कट मिलता है। इस धंधे को नियंत्रित करने और अपना दबदबा कायम करने के लिए वक्त वक्त पर कई हत्याएं भी होती रही हैं। 2021 में बीजेपी के टिकट पर फिर विनीत सिंह खुद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। इसके बाद 2002 के एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी से श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह ने पर्चा दाखिल किया था, तो उनके सामने थे समाजवादी पार्टी से रमेश यादव। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ, रमेश यादव ने अपना पर्चा वापस ले लिया। दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने पर्चा भरा था उनका नाम था प्रेमचंद, उनका पर्चा अवैध घोषित हुआ। इसके बाद विनीत सिंह निर्विरोध एमएलसी चुने गए। चुनाव आयोग के हलफनामे के मुताबिक विनीत सिंह के खिलाफ 11 आपराधिक मामले लंबित हैं और वो वाराणसी जिले के चोलापुर थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक एक हिस्ट्री शीटर हैं। इनमें अपहरण, रंगदारी वसूलने से लेकर हत्या और हत्या के प्रयास तक के मामले शामिल हैं। तो बाहुबली के आज के इस चैप्टर में इतना ही। इस खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।